पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके सहित कई बड़े नेता, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की माता स्वर्गीय राजमाता देवेंद्र कुमारी को श्रद्धांजलि देने अंबिकापुर पहुंचे। सरगुजा पैलेस में स्वर्गीय राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 13वें कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। महारानी देवेंद्र कुमारी जी की जो है कार्यक्रम में मैं यहाँ पर आई थी और उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति संवेदना मुझे देना था और मैं मेरी ओर से उनको हार्दिक संवेदना। अंबिकापुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने देवेंद्र कुमारी सिंहदेव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का निधन अपूर्णीय क्षति है। वे सौम्य सदी की कुशल और दूरदर्शी नेता थी। सीएम ने सरगुजा पैलेस पहुंचकर उनके छाया चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उनके साथ मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम सहित कई नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का 10 फरवरी को मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। एक राजनीति में ऐसी महिला जो पूरे जीवन भर समर्पित रही, जहां पूरे परिवार को संभालने का काम उन्होंने किया, वैसे ही कार्यकर्ताओं को भी वो परिवार के सदस्य की तरह संभाल के रखती थी और उनके जाने से निश्चित रूप से